गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइंस का थर्ड चैप्टर, हेरिडिटी एंड कॉमन जेनेटिक डिजीज। हेरिडिटी अनुवांशिकता और कुछ अनुवांशिक बीमारी के बारे में। इसके पार्ट वन में हम लोग कुछ पॉइंट्स सीखेंगे जिससे हम पूरा चैप्टर समझ सकते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जेनेटिक बीमारियों के बारे में, किस तरह से जेनेटिक बीमारियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। तो चले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर में, आज के पार्ट में सिर्फ हम लोग को कुछ पॉइंट सीखने हैं। पहला पॉइंट है हेरिडिटी या अनुवांशिकता। किसे कहते हैं हेरिडिटी या अनुवांशिकता? तो हेरिडिटी या अनुवांशिकता क्या है? यह क्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण, लक्षण या कारक उनके बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हेरिडिटी, अनुवांशिकता। और जिसके कारण बच्चे कुछ गुण में माता पिता के समान होते हैं तो कुछ गुण में माता पिता से अलग। अभी हम बताएं, माता पिता से गुण, लक्षण या कारक बच्चों में आता है, क्योंकि उस समय जिस समय मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अनुवांशिकता के ऊपर, हेरिडिटी के ऊपर, उस समय जीन की खोज नहीं हुई थी, तो इसी जीन को गुण, कारक या लक्षण के नाम से जाना जाता है। जीन कहाँ पाया जाता है? क्रोमोजोम के ऊपर। क्रोमोजोम किससे बना है? दो क्रोमेटिड से, और दोनों क्रोमेटिड किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? सेंट्रोमियर के द्वारा। हम लोग यहाँ पर दो क्रोमोजोम देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे का समजात क्रोमोजोम है। दोनों को समजात क्रोमोजोम क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों क्रोमोजोम की रचना, आकृति एक समान है, दोनों पर एक समान जीन पाया जाता है, जीन की स्थिति भी एक समान होती है, इसलिए हम लोग इसे समजात क्रोमोजोम कहते हैं, यानी एक जोड़ा समान क्रोमोजोम। जैसे क्रोमोजोम जोड़े में पाया जाता है, उसी तरह से जीन भी क्या है? जोड़े में पाया जाता है। अब हम लोग सीख लें जीन के बारे में। जीन क्या है? तो जीन अभी बताएं, क्रोमोजोम के ऊपर दानेदार कण के समान रचना पाई जाती है जिसे जीन कहते हैं। जीन है अनुवांशिकता की इकाई। इसी के द्वारा गुण, लक्षण या कारक माता पिता से बच्चों में और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। और एक एक क्रोमोजोम पर जीन की संख्या कितनी होती है? लगभग 10,000। नेक्स्ट हम जेनेटिक्स या अनुवांशिकी विज्ञान। क्या है जेनेटिक्स या अनुवांशिकी विज्ञान? तो वो विज्ञान की शाखा जिसमें हम लोग हेरिडिटी या अनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे, जीन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से जीन माता पिता से बच्चों में और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, क्यों बच्चे कुछ गुण में माता पिता के समान हैं तो कुछ गुण में माता पिता से अलग हैं, और किस तरह से लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, ये सब जानना है तो हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? जेनेटिक्स। नेक्स्ट टर्म है वेरिएशन या विभिन्नता। तो अभी हम बताएं कि माता पिता से जीन जब स्थानांतरित होता है बच्चों में या पीढ़ी दर पीढ़ी, तो बच्चे में कुछ गुण माता पिता के समान है तो कुछ गुण माता पिता से असमान है या अलग है। तो सजीव में उपस्थित असमानता को ही हम लोग क्या कहते हैं? विभिन्नता। और यह असमानता क्यों होती है? जीन के कारण, जीन की रचना में परिवर्तन के कारण। एक ही माता पिता से उत्पन्न चार संतान है, चारों संतान एक दूसरे से अलग हैं, इवन कि माता पिता से भी अलग हैं। स्कूल जाते हैं, स्कूल में सारे बच्चे एक दूसरे से असमान हैं, तो ये सब असमानता ही क्या दिखाई कहलाती है? विभिन्नता। विभिन्नता को हम लोग क्रम विकास का कच्चा पदार्थ भी कहते हैं। विभिन्नता मतलब अच्छे अच्छे गुण अगर पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होते रहते हैं, और जिसमें अच्छे अच्छे गुण होते हैं उसमें अनुकूलन की क्षमता अधिक होती है, वो वातावरण में रह सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं, और उनका क्रम विकास होता है। तो विभिन्नता क्या है? क्रम विकास का कच्चा पदार्थ या रॉ मटेरियल भी है। और विभिन्नता उत्पन्न होने का कारण है, असमानता उत्पन्न होने का कारण है जीन की रचना में परिवर्तन। तो ये जीन की रचना में परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्यों सब सजीव एक दूसरे से अलग हैं? तो दो कारण है विभिन्नता उत्पन्न होने का, क्रॉसिंग ओवर पहला, और दूसरा है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। क्रॉसिंग ओवर क्या है? तो क्रॉसिंग ओवर पहले भी बताए थे, ये प्रथम मियोसिस के प्रथम प्रोफेज की तीसरी अवस्था पैकेटिन में होती है। पैकेटिन अवस्था से पहले होती है जायगोटिन अवस्था, जिसमें समजात क्रोमोजोम या एक समान जोड़ा का क्रोमोजोम एक दूसरे के पास आता है और जोड़ा बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस, जुड़ जाता है। अब होगा क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन अवस्था, तीसरी अवस्था में एक एक क्रोमोजोम का जो दोनों क्रोमेटिड है एक दूसरे का सिस्टर क्रोमेटिड है, जैसे इस क्रोमोजोम का दो क्रोमेटिड एक दूसरे का सिस्टर, इस क्रोमोजोम का दो क्रोमेटिड एक दूसरे का सिस्टर,
क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, दो नन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जीन का आदान प्रदान होता है। तो नन सिस्टर क्रोमेटिड किसे कहते हैं, तो इस क्रोमोजोम का एक क्रोमेटिड और इस क्रोमोजोम का एक क्रोमेटिड एक दूसरे का नन सिस्टर हो गया और यहाँ पर दोनों के बीच में जीन का आदान प्रदान हो रहा है या क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी विभिन्नता उत्पन्न होती है, जीन का आदान प्रदान हो रहा है इसमें। दूसरा कारण है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। म्यूटेशन किसे कहते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि हर क्रोमोजोम पर जितना भी जीन है सबका एक निश्चित स्थान होता है, उस निश्चित स्थान को हम लोग बोलते हैं लोकस। किंतु कभी कभी अल्ट्रावायलेट किरण के प्रभाव से, रासायनिक पदार्थ के प्रभाव से या केमिकल रासायनिक पदार्थ या एक्सरे के प्रभाव से जीन की स्थिति में, रचना में अचानक से परिवर्तन हो जाता है। तो जब जीन की रचना में, स्थान में जब अचानक परिवर्तन होता है तो उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं और इसके कारण भी विभिन्नता उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्रोमोजोम में एक जीन डी और आ गया तो पूरे क्रोमोजोम पर जीन की संरचना बदल गई। कहीं से एक जीन निकल जाता है तो भी जीन की संरचना क्रोमोजोम पर बदल जाती है, स्थिति बदल जाती है। तो जिस जीन में म्यूटेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं म्यूटेटेड जीन। अब म्यूटेशन क्यों होता है, तो अभी हम बताए थे अल्ट्रावायलेट रे या रासायनिक पदार्थ या एक्सरे के कारण जीन की रचना में, स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। तो ये अल्ट्रावायलेट रे रासायनिक पदार्थ जिनके कारण जीन की रचना या स्थिति बदल गई, ऐसे पदार्थ को बोलते हैं म्यूटेजन, और जिसके कारण जीन म्यूटेटेड हो जाता है और जिसके कारण जीन की रचना में, स्थान में, स्थिति में परिवर्तन होता है अचानक, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, और जिसके कारण विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो विभिन्नता का अगर तुमसे उदाहरण, आप लोगों से उदाहरण पूछा जाए तो विभिन्नता का उदाहरण हम लोग क्या देंगे, मनुष्य का स्वतंत्र और जुड़ा हुआ कर्णपिंड। अधिकतर मनुष्य में हम लोग देखते हैं कर्ण पल्लव या पिन्ना जो है स्किन से सटा हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र कर्ण पल्लव या पिन्ना जो प्रभावी है। और कुछ मनुष्यों में देखते हैं कर्णपिंड जो है कर्ण पल्लव या त्वचा से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जुड़ा हुआ कर्णपिंड या प्रभावी है। और दूसरा उदाहरण है विभिन्नता का, जीभ का मुड़ना और नहीं मुड़ना। तो जीभ को अगर मुंह से बाहर निकाल के मुड़ने की कोशिश करें तो अधिकतर लोगों में मुड़ जाता है, तो जीभ का मुड़ना है प्रभावी विभिन्नता का उदाहरण, और अगर नहीं मुड़ता है तो वो है अप्रभावी विभिन्नता का उदाहरण। इसके बाद हम लोग देख लें कैरेक्टर या लक्षण किसे कहते हैं। तो कब, जब क्रोमोजोम पर एक जोड़ा समान जीन है, यहाँ पर दो क्रोमोजोम दिखाया गया है, पहले क्रोमोजोम पर एक जोड़ा समान जीन है कैपिटल टी। तो समान जीन जब एक ही लक्षण को निर्धारित करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर या लक्षण। तो यहाँ पर एक जोड़ा जो समान जीन है कैपिटल टी, ये कौन से लक्षण को निर्धारित करता है, शुद्ध लंबा। दूसरे क्रोमोजोम पर एक जोड़ा समान जीन है स्मॉल टी, ये कौन से लक्षण को निर्धारित करता है, बॉन्ड। अब हम लोग जान लें फैक्टर एलील या कारक किसे कहते हैं। तो अभी हम लोग देखें क्रोमोजोम पर एक जोड़ा समान जीन है, अब क्रोमोजोम पर अगर एक जोड़ा असमान जीन है, जैसे यहाँ रेड क्रोमोजोम, इस पर एक जोड़ा असमान जीन क्या है कैपिटल ए स्मॉल ए, और इस क्रोमोजोम पर असमान जीन क्या है कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इस एक जोड़ा असमान जीन को हम लोग एलील भी बोलते हैं या हेटरोजाइगस भी बोलते हैं या फैक्टर भी बोलते हैं, एलील भी बोलते हैं, कारक भी बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर तुम, आप लोगों से पूछा जाए कि यहाँ पर दो क्रोमोजोम हैं और दोनों क्रोमोजोम पर एक एक जोड़ा असमान जीन है, यानी एक एक जोड़ा एलील है, तो टोटल एलील की संख्या कितनी है, टोटल एलील की संख्या है 4। और अगर पूछा जाए असमान जोड़ा के जीन का नाम लिखो, तो पहला असमान जोड़ा का जीन कैपिटल स्मॉल ए, दूसरा कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें दो एलील हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें दो एलील हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहाँ पर टोटल एलील कितना है 4। एलील मतलब एक जोड़ा असमान जीन। लीथल जीन क्या है, तो लीथल मतलब होता है मारक जीन, तो वो जीन जो सजीव को जनन अवस्था से पहले मार डालते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लीथल जीन। अब आगे देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संक्रमण। मेंडल को मटर के पौधे में 7 जोड़ा विपरीत लक्षण मिला था, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो जब वो एक जोड़ा विपरीत लक्षण के को लेकर के उसके बीच में जब क्रॉस कराए तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे जनक
क्रॉस क्या किस में कराया जाता है? जनक के बीच में। जनक को हमेशा कैसा होना चाहिए? शुद्ध। और उसमें एक जनक प्रभावी, एक जनक अप्रभावी। तो जैसे नर, इसको हम लोग इसका संकेत है एक ढाल या और भाला की आकृति, और मादा का संकेत है ड्रेसिंग टेबल का आईना। जनक हमेशा शुद्ध होता है क्योंकि उसमें एक जोड़ा समान जीन पाया जाता है, और एक जनक प्रभावी, एक जनक अप्रभावी। तो जैसे नर जनक है वो शुद्ध लंबा है, इसका जेनोटाइप है कैपिटल टी कैपिटल टी। और दूसरा जनक है मादा शुद्ध बौना, ये अप्रभावी है, इसका जेनोटाइप स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हम लोग देख लें डायब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संक्रमण। तो जब दो जोड़े विपरीत लक्षण के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं डायब्रिड क्रॉस। अब इसमें एक जोड़ा विपरीत लक्षण नहीं चुनना है, दो जोड़ा विपरीत लक्षण चुनना है। तो यहाँ पे कौन सा लक्षण चुना गया? पहले तो जनक चुनेंगे, नरजनक मादा जनक, नरजनक प्रभावी, मादा जनक अप्रभावी। नरजनक में प्रभावी गुण चुनना है दो। तो सीट का कलर पकने के बाद पीला और आकार हो जाता है गोल। तो दो कैरेक्टर चुने, दो जोड़ा विपरीत लक्षण, पीला गोल और इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये प्रभावी है। तो इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होगा? विपरीत लक्षण पीला का हरा और गोल का झुर्रीदार। तो यहाँ पे दो जोड़ा विपरीत लक्षण चुना गया, पीला गोल और हरा झुर्रीदार। पीला गोल है नर जनक और ये शुद्ध होता है। तो पीला गोल का जेनोटाइप क्या होगा? पीला कैपिटल वाई कैपिटल वाई, गोल राउंड कैपिटल आर कैपिटल आर। हरा झुर्रीदार ये अप्रभावी मादा जनक है। तो इसका जेनोटाइप क्या लिखेंगे? पीला का कैपिटल वाई है तो हरा का स्मॉल वाई हो जाएगा। गोल प्रभावी है कैपिटल आर कैपिटल आर, तो इसका अप्रभावी झुर्रीदार स्मॉल आर स्मॉल आर। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, होमोजाइगस प्योर या शुद्ध किसे कहते हैं? तो जब क्रोमोजोम पर एक जोड़ा समान जीन पाया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं होमोजाइगस प्योर या शुद्ध। जैसे इस क्रोमोजोम पर एक जोड़ा समान जीन क्या है? कैपिटल टी कैपिटल टी, और वो एक ही लक्षण को निर्धारित करेगा, शुद्ध लंबा यानी प्योर टॉल। दूसरा क्रोमोजोम पर भी हम एक जोड़ा समान जीन देख रहे हैं स्मॉल टी, और वो भी एक ही लक्षण को निर्धारित करता है, शुद्ध बौना। और क्रॉस में जो होमोजाइगस प्योर होता है, शुद्ध होता है, ये जनक पीढ़ी में भाग लेता है या पेरेंटल जनरेशन में भाग लेता है। अब हम लोग समझ लें हेटरोजाइगस अशुद्ध या हाइब्रिड किसे कहते हैं। तो जब क्रोमोजोम पर एक जोड़ा असमान जीन, असमान जीन मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, इस एक जोड़ा असमान जीन को हम लोग हेटरोजाइगस भी कहते हैं या एलील भी कहते हैं। और ये हेटरोजाइगस जीन या एक जोड़ा असमान जीन किस में पाया जाता है? हाइब्रिड में। हाइब्रिड कब बनता है? जब दो शुद्ध जनक के बीच में क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होती है उसको हाइब्रिड कहते हैं। इसको हाइब्रिड क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें एक जोड़ा असमान जीन है। एक जोड़ा असमान जीन मतलब एक जीन लंबा एक जीन बौना का। ये एक जोड़ा असमान जीन इसमें आया कहाँ से? तो दोनों जनक से एक एक जीन इसमें आया, इसलिए ये हाइब्रिड है, हेटरोजाइगस भी है, अशुद्ध भी है, क्योंकि इसमें एक जोड़ा असमान जीन या एलील पाया जाता है। और हाइब्रिड कब बनता है? जब दो शुद्ध जनक के बीच में क्रॉस कराते हैं। तो थोड़ा ये क्रॉस को देख लें, नरजनक मादा जनक, नरजनक शुद्ध लंबा इसलिए इसका जेनोटाइप कैपिटल टी और नरजनक प्रभावी भी है इसलिए कैपिटल टी से लिखा गया है। शुद्ध बौना मादा जनक है, ये अप्रभावी है इसलिए इसका जेनोटाइप स्मॉल टी से लिखा गया। नरजनक में गैमेट बनेगा परागकण, और जब भी गैमेट बनता है क्रोमोजोम और जीन की संख्या आधी हो जाती है, तो इसमें चूंकि दोनों जीन एक ही जैसे हैं तो जितना भी परागकण बनेगा सब में एक ही कैपिटल टी जीन होगा, और जितना भी मादा गैमेट मादा में बनेगा एक सब में एक ही जीन स्मॉल टी रहेगा। अब निषेचन की क्रिया होती है, परागकण नर गैमेट मादा गैमेट अंडा को निषेचित करता है। ये निषेचन की क्रिया ही यहाँ पर क्रॉस कहलाती है, या क्रॉस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि जब क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होती है वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड है पहली पीढ़ी की संतान। क्यों हाइब्रिड है? क्योंकि उसमें उसका एक जीन लंबा वाला जीन नरजनक से मिला, मादा वाला जीन बौना वाला मादा जनक से मिला। इसमें एक जोड़ा असमान जीन है, इस एक जोड़ा असमान जीन को एलील भी कहते हैं, और एक जोड़ा असमान जीन होने के कारण ये हाइब्रिड भी है।
और एक जोड़ा समान जीन होने के कारण इसे हेटरोजाइगस भी कहते हैं। अब हाइब्रिड दिखने में कैसा होगा? इसमें एक जोड़ा असमान जीन है जिसे एलील कहते हैं, लंबा और बौना जीन दोनों है, तो दिखाई कैसा देगा? लंबा या बौना? तो दिखाई देता है ये लंबा। लंबा दिखाई देने का कारण क्या है? क्योंकि हाइब्रिड में जो दोनों एक जोड़ा असमान जीन है लंबा और बौना का, इसमें लंबा वाला जीन प्रभावी है, F1 पीढ़ी में अपने गुण को प्रकट किया, और बौना वाला जीन अप्रभावी है जो F1 पीढ़ी में अपने गुण को प्रकट नहीं किया। इसलिए F1 पीढ़ी में जितना भी हाइब्रिड है 100% हाइब्रिड सदृश रूप में फेनोटाइपिकली टॉल दिखाई देता है। क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? तो जब दो शुद्ध जनक के बीच में क्रॉस कराते हैं, निषेचन कराते हैं, तो उस निषेचन को हम लोग क्रॉस भी कहते हैं। और पहली पीढ़ी में चूँकि संतान हाइब्रिड उत्पन्न होती है तो इस क्रॉस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। हाइब्रिड किसे कहते हैं? तो F1 पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होती है दो शुद्ध जनक के बीच में क्रॉस कराने से, उस संतान को हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। इसे हाइब्रिड क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइब्रिड में एक जोड़ा असमान जीन पाया जाता है T स्मॉल T, और ये एक जोड़ा असमान जीन कहाँ से आया? दोनों जनकों से उसे एक एक जीन मिला। इस एक जोड़ा असमान जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलील या हेटरोजाइगस। अब हाइब्रिड में एलील है, एक जोड़ा असमान जीन है, लंबा वाला जीन भी है, बौना वाला जीन भी है, तो हाइब्रिड का फेनोटाइप या दृश्य रूप क्या होगा? अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखा गया है प्रभावी जीन लंबा वाला जीन, और स्मॉल लेटर से लिखा गया है प्रभावी जीन या रिसेसिव जीन। T स्मॉल T एक जोड़ा असमान जीन है, इसको हम लोग बोलते हैं एलील, जो हाइब्रिड के अंदर है। इस एलील में से लंबा वाला जीन जो है प्रभावी है, जिसे कैपिटल लेटर से लिखा गया है। और प्रभावी है क्यों? क्योंकि वह F1 पीढ़ी में अपने गुण को प्रकट करता है, और अप्रभावी जीन बौने वाले जीन को दबा देता है। और स्मॉल टी जो जीन है वो अप्रभावी है, वो अपने गुण को F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं कर पाता। इसलिए F1 पीढ़ी हाइब्रिड जो है F1 पीढ़ी में जो बना वो दृश्य रूप में कैसा दिखाई देगा? फेनोटाइपिकली लंबा, क्योंकि लंबा वाला जीन इसमें प्रभावी है। अब यहाँ से हम लोग दो टर्म और सीख लेते हैं, डोमिनेंट या रिसेसिव। तो F1 पीढ़ी में जो हाइब्रिड बना उसमें एक जोड़ा असमान जीन है, इस एक जोड़ा असमान जीन को एलील कहते हैं। यहाँ पर एलील का एग्जांपल है T स्मॉल T। T देख के समझ में आ जाएगा ये डोमिनेंट है, प्रभावी है, T रिसेसिव है, अप्रभावी है। अब T को डोमिनेंट या प्रभावी क्यों कहते हैं? तो यह जीन जो है लंबा वाला जीन, ये F1 पीढ़ी में अपने गुण को प्रकट करता है और अप्रभावी जीन को दबा देता है। इसलिए जो जीन अपने गुण को एलील में जो गुण जीन अपने गुण को प्रकट करता है उसे प्रभावी जीन कहते हैं, और एलील में जो गुण जो जीन अपने गुण को प्रकट नहीं कर सकता, जो दब जाता है, जैसे यहाँ पर T जीन ये अप्रभावी जीन है, बौना वाला जीन जो अपने गुण को प्रकट नहीं कर पाया F1 पीढ़ी में, तो इस T जीन या बौने वाले जीन को हम लोग क्या कहते हैं? अप्रभावी जीन। अब हम लोग देख लें फेनोटाइप या दृश्य रूप किसे कहते हैं। दृश्य रूप क्या है? तो सजीव के शरीर में बाहर से जो लक्षण दिखाई देता है, जैसे लंबा, बौना, पीला, हरा, तो दृश्य रूप में जो लक्षण दिखाई दे रहा है बाहर से उसे हम लोग कहते हैं फेनोटाइप। अगर हम बोलें कि जेनोटाइप है T, तो उसका फेनोटाइप क्या होगा? शुद्ध लंबा। अगर हम बोलें जेनोटाइप है T, तो उसका फेनोटाइप क्या होगा? शुद्ध बौना। अगर जेनोटाइप है T, तो उसका फेनोटाइप क्या होगा? संकर लंबा। दूसरा टर्म है जीनोटाइप या जीन संरचना। जीन संरचना किसे कहते हैं? तो किसी सजीव के जीन की संरचना को हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। फेनोटाइप जैसे बाहर से दिखाई देता है, जीनोटाइप दिखाई नहीं देता। तो जीनोटाइप क्या है? जैसे हम बताएं शुद्ध लंबा, तो उसका जीनोटाइप क्या लिखेंगे? T। ध्यान से सुनना है। शुद्ध बौना, तो इसका जेनोटाइप क्या लिखेंगे? T। बोले अगर फेनोटाइप संकर लंबा है तो उसका जेनोटाइप क्या लिखेंगे? T स्मॉल T। तो फेनोटाइप जेनोटाइप आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल।
ये सब हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर से मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस में अभी टर्म सीखना है, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल जब किए तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइपिक अनुपात क्या है, जीनोटाइपिक अनुपात क्या है। तो जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए एक जोड़ा विपरीत लक्षण को लेकर के, जैसे शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना के बीच में, तो एप्टोपीडी में उनको दो तरह का पौधा फेनोटाइपिकली दिखाई दिया, लंबा और बौना। लंबा पौधा 3 था और बौना पौधा 1, इसलिए फेनोटाइपिक अनुपात क्या हो गया, 3:1। जीनोटाइपिक अनुपात मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1 क्यों हुआ, तो एप्टोपीडी में जो पौधा हुआ दृश्य रूप में तो लंबा और बौना था, किंतु जीनोटाइपिकली 3 तरह का पौधा बना, 1 शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबा और 1 शुद्ध बौना, इसलिए जीनोटाइपिक लिखते हैं 1:2:1। डायहाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल किए दो जोड़ा विपरीत लक्षण के बीच में लेकर क्रॉस, तो एप्टोपीडी में फेनोटाइपिक अनुपात क्या मिला, 4 तरह के पौधे मिले, 4 तरह का पौधा जिसका फेनोटाइपिक अनुपात है 9:3:1, और जेनोटाइपिक पौधा में भी 4 तरह में अलग अलग तरह के जेनोटाइप मिले, जैसे 9 पौधा है उसका जेनोटाइप 1:2:4, 3:1:2, फिर तीसरा 3:1:2 और लास्ट वाला 1। तो जेनोटाइपिक अनुपात क्या मिला, 1:2:2:4, 1:2:1:2:1। इसको भी जोड़ेंगे तो 16 पौधे मिले थे एप्टोपीडी में, इसको फेनोटाइपिक अनुपात को भी जोड़ेंगे तो 16 पौधे, यहाँ पे 4 तरह के पौधे, यहाँ पे 9 तरह के जीनोटाइप वाले पौधे। F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन भी इसको कहते हैं। तो प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी किसको कहते हैं, तो जब दो शुद्ध जनक के बीच में क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में जो संतान पैदा होती है तो उस पहली पीढ़ी को हम लोग बोलते हैं F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। तो पहला जब हम क्रॉस स्टार्ट करते हैं तो पहले लाइन में लिखते हैं जनक, वो हमेशा शुद्ध होता है, जैसे नर शुद्ध लंबा और प्रभावी है, इसलिए नर का जेनोटाइप कैपिटल टी। मादा शुद्ध बौना और ये अप्रभावी है तो इसका जेनोटाइप कैपिटल स्मॉल टी। दोनों में गैमेट बनेगा तो दोनों पराकन बना तो एक एक जीन आएगा पराकन में, और चूंकि यहाँ पे एक समान क्रोमोजोम है दो, तो गैमेट बनने के समय आधा तो जीन भी आधा, तो हर पराकन में कैपिटल टी और हर मादा गैमेट एक में स्मॉल टी एक ही रहेगा। अब एक पराकन एक अंडा को जब निषेचित कर रहा है तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्रॉस या फर्टिलाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन। चूँकि F1 पीढ़ी में जो संतान पैदा होती है वो हाइब्रिड है, हाइब्रिड क्यों है बार बार बता चुके, हाइब्रिड इसलिए है क्योंकि उसको एक जिन नर जनक से और एक जिन मादा जनक से मिला, और हाइब्रिड में एक जोड़ा असमान जीन हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, या हाइब्रिड में एक जोड़ा असमान जीन या एलील होता है। F1 पीढ़ी में 100% पौधा हाइब्रिड होता है और सबका फेनोटाइप दिखाई देता है टॉल, जबकि इसमें एक जोड़ा असमान जीन लंबा और बौना दोनों का जीन है किंतु दिखाई देता है टॉल, क्योंकि टॉल वाला जीन प्रभावी है, बौना वाला जीन अप्रभावी है। अब F2 पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी या सेकेंड फिलियल जनरेशन किसे कहते हैं, तो जब मेंडल एक्सपेरिमेंट किए एक संकर संकरण कराए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराए एक जोड़ा विपरीत लक्षण के बीच में लेकर के, तो F1 पीढ़ी में जो हाइब्रिड मिला तो हाइब्रिड का फेनोटाइप टॉल था, जबकि हाइब्रिड में एक जोड़ा असमान जीन एलील लंबा वाला जीन भी है और बौना वाला जीन है एलील में, फिर भी दृश्य रूप में वो लंबा दिखाई दिया, तो उनको लगा कि लंबा वाला जीन दिखाई दे रहा है, बौना वाला जीन गया कहाँ, क्या वो विलुप्त हो गया, जबकि लंबा और बौना दोनों जीन हैं। तो फिर वो क्या किए, F1 पीढ़ी से दो हाइब्रिड को लेकर के उसके बीच में क्रॉस कराए, तो दूसरी पीढ़ी में उनको जो संतान मिली उस पीढ़ी को हम लोग बोलते हैं F2 पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी या सेकेंड फिलियल जेनरेशन। तो F2 पीढ़ी में क्या रिजल्ट मिलेगा, तो F1 पीढ़ी का दो हाइब्रिड अब दोनों पेरेंट हो जाएंगे, एक नर बन जाएगा एक मादा। नर का जेनोटाइप हाइब्रिड है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, मादा का जेनोटाइप भी हाइब्रिड है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब नर में नर गैमेट बनेगा, चूँकि इसमें एक जोड़ा असमान जीन है तो जो गैमेट बनेगा तो गैमेट में
या तो कैपिटल टी जीन रहेगा या तो स्मॉल टी जीन रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेगा क्योंकि गैमेट बनने के समय में क्रोमोजोम की संख्या आधी हो जाती है, जीन भी आधा हो जाता है। मादा में भी गैमेट बनेगा तो मादा भी क्या है, एक जोड़ा असमान जीन या एलील है, तो इसमें भी जब मादा गैमेट बनेगा, एक बनेगा, तो इसमें भी क्रोमोजोम की संख्या आधी, जीन की संख्या आधी। तो जो अगर गैमेट बनता है तो किसी में जीन कैपिटल टी रहेगा या किसी में स्मॉल टी। गैमेट बन गया, अब हमको एफ टू पीढ़ी में किस तरह का संतान पैदा होगा एफ वन पीढ़ी के बीच में क्रॉस कराने से, तो इसको हम लोग पनेट स्क्वायर बोर्ड या चेकर बोर्ड से देख लेते हैं। जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो चेकर बोर्ड में स्क्वायर की संख्या कितनी होगी, चार। इसमें बीच में एक लाइन खींचेंगे, एक तरफ नर गैमेट, एक तरफ मादा गैमेट लिखेंगे। नर गैमेट भी बना था दो तरह का, कैपिटल टी स्मॉल टी, अलग अलग लिखेंगे। मादा गैमेट भी दो तरह का है, एक में कैपिटल टी जीन, एक में स्मॉल टी जीन। अब क्या कराना है, अब गैमेट लिखने के बाद क्रॉस मतलब गुना करा देते हैं, इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी से, कैपिटल टी कैपिटल टी, इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस दूसरे टेबल में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी यहाँ लिख दिए। अब चौथे टेबल में स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, जेनोटाइप मिल गया एफ टू पीढ़ी में। हमको क्या दिखाई दे रहा है, चार संतान पैदा हुए। कितने तरह के संतान पैदा हुए तो हम लोग देख रहे हैं। अब जेनोटाइप मिलने के बाद हम उसका फेनोटाइप लिख लेते हैं। कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी संकर लंबा, स्मॉल टी कैपिटल टी यानी संकर लंबा, स्मॉल टी यानी शुद्ध गौण। तो हम लोग अब देख लिए क्रॉस कराने के बाद एफ टू पीढ़ी में हमको चार संतान मिली। चार संतान में फेनोटाइपिकली हम देख रहे हैं तीन लंबा है और एक बौना है, तो फेनोटाइपिक अनुपात मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1, मतलब लंबा और बौना संतान उत्पन्न हुआ चार, लंबा तीन और बौना एक। जेनोटाइपिक अनुपात हम लोग देख लेते हैं, तो जेनोटाइपिक में चार संतान है मगर तीन तरह के संतान है, एक है शुद्ध लंबा, दो है संकर लंबा और एक है शुद्ध बौना। तो जेनोटाइपिक अनुपात मोनोहाइब्रिड क्रॉस में शुद्ध लंबा कैपिटल टी एक, संकर लंबा दो कैपिटल टी स्मॉल टी दो और शुद्ध बौना स्मॉल टी वन। तो जेनोटाइपिक अनुपात मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1। टर्म समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जान लें। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, इन्हें क्या कहा जाता है, अनुवांशिकता का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये ऑस्ट्रिया के भून शहर में चर्च में एक पादरी का काम करते थे। वो चर्च के खाली स्पेस में, खाली जगहों में क्या किए, मटर का पौधा लगा दिए। उनके प्रयोग का पौधा था मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। उनको मटर के पौधे में सात जोड़ा विपरीत लक्षण मिले। अब वो क्या करने लगे, सात जोड़ा विपरीत लक्षण में से कुछ लक्षण उनको प्रभावी मिला जो अधिक संख्या में थे, कुछ लक्षण अप्रभावी था जो कम संख्या में थे। अब एक जोड़ा विपरीत लक्षण के बीच में लेकर के क्रॉस कराए, जैसे लंबा और बौना, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह से सात जोड़ा विपरीत लक्षण के बीच में क्रॉस कराते रहे। उसके बाद उन्होंने दो जोड़ा विपरीत लक्षण के बीच में क्रॉस कराया, जैसे पीला गोल हरा झुर्रीदार। तो दो जोड़ा विपरीत लक्षण के बीच में क्रॉस कराया तो उसे डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और क्रॉस का रिजल्ट किस तरह से जीन पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, उन्होंने जीन अध्ययन किया कई पीढ़ियों तक, F1, F2, F3, F4, F5, इस तरह से कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया हर क्रॉस का, कि किस तरह से जीन स्थानांतरित हो रहा है हर पीढ़ी में। और वही फर्स्ट टाइम मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल डाटा, गणित और सांख्यिकी को बायोलॉजी में प्रयोग किए थे। और उन्होंने अपने प्रयोग को कई बार दोहराया और गणितीय और सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल व्याख्या की। और प्रयोग दोहराने के बाद उन्होंने प्रयोग के आधार पर अपना सिद्धांत लिखा, जिसे अनुवांशिकता का सिद्धांत या मेंडलवाद या मेंडल का सिद्धांत कहते हैं, जो 1866 में प्रकाशित हुआ। किंतु उनके सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली, इस बीच में उनकी मृत्यु हो गई। सिद्धांत को मान्यता कब मिली, जब जीन का खोज हुआ और इनके सिद्धांत की सत्यता को प्रमाणित किया ह्यूगो डिवेराइस, शर्मा और कैरेंस नामक वैज्ञानिक ने। मेंडल को कौन से सात जोड़े विपरीत लक्षण मिले, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पूछा जाता है, लिखने के लिए बोला जाता है।
तो पहले कैरेक्टर है, हम इस तरह से साथ जोड़ा विपरीत लक्षण का सीरियल बना दिए। कैरेक्टर इसमें प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी मतलब जो अधिक संख्या में पाया जाता है, प्रभावी को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, तो अप्रभावी को उसी कैपिटल का स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो पहला कैरेक्टर है तने की ऊंचाई, हाइट ऑफ स्टेम। हाइट क्या है? लंबा प्रभावी है, तो लंबा को टॉल बोलते हैं, इसलिए टॉल का जीन कैपिटल टी कैपिटल टी पेयर में होता है, बताए थे। बौना स्मॉल टी अप्रभावी है। फूल का रंग कलर ऑफ फ्लावर डोमिनेंट है बैगनी, और अप्रभावी है सफ़ेद। बैगनी को कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू से लिखे, पर्पल पी से नहीं लिखे, क्योंकि क्रॉस कराने में कैपिटल पी स्मॉल पी में डिफरेंस पता नहीं चलता, इसलिए कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू बैगनी के लिए, अप्रभावी सफ़ेद के लिए स्मॉल डब्ल्यू। फूल की स्थिति पोजिशन ऑफ फ्लावर। फूल अधिकतर क्या होता है पौधे में? कक्षस्थ होता है या एक्सियल होता है, इसलिए डोमिनेंट है, इसलिए इसका जेनोटाइप कैपिटल है। और कभी कभी शीर्षस्थ होता है, गलत लिख दिया है यहाँ पर, शीर्षस्थ टर्मिनल अप्रभावी है, तो इसका जेनोटाइप होगा स्मॉल ए। फली की आकृति, फली मटर के फल को पॉड भी कहते हैं, फली भी कहते हैं, तो पॉड की आकृति शेप ऑफ पॉड, तो फूला हुआ है, इन्फ्लेटेड यहाँ पर दिखाया गया है, इन्फ्लेटेड, और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब संकुचित। एक जोड़ा विपरीत लक्षण, इन्फ्लेटेड आई, संकुचित अप्रभावी स्मॉल आई। फली का रंग कलर ऑफ पॉड, यह है फली का रंग ग्रीन, अधिकतर डोमिनेंट है, तो ग्रीन का कैपिटल जी जेनोटाइप हो जाएगा, और येलो अप्रभावी है, तो इसका जेनोटाइप स्मॉल जी। अब हम लोग देख लेते हैं बीज का रंग। प्रभावी है पीला, पीला को येलो बोलते हैं, प्रभावी है, इसलिए पीला का जेनोटाइप कैपिटल वाई, तो इसका अप्रभावी है ग्रीन, तो इसका जेनोटाइप हो जाएगा स्मॉल वाई। बीज का आकार, शेप ऑफ द सीड क्या है? गोल है, राउंड, तो इसका जेनोटाइप प्रभावी है, इसलिए कैपिटल आर, तो इसका अप्रभावी है स्मॉल आर। ये टॉल प्रभावी है, कैपिटल टी शॉर्ट है, ड्वार्फ है, इसका अप्रभावी है, तो स्मॉल टी। एक्सियल प्रभावी है, कैपिटल ए, इसका जेनोटाइप हो जाएगा, और टर्मिनल अप्रभावी है, तो इसका जेनोटाइप हो जाएगा स्मॉल ए। पर्पल प्रभावी है, तो इसका अप्रभावी वाइट, तो इसका जेनोटाइप पर्पल प्रभावी है, तो कैपिटल डब्ल्यू, इसका स्मॉल डब्ल्यू। पॉड का कलर, फली का रंग ग्रीन, तो इसका जेनोटाइप ये प्रभावी है, तो कैपिटल जी ग्रीन से होता है, जी से, तो येलो का अप्रभावी हो जाएगा स्मॉल जी। इन्फ्लेटेड पॉड का आकार, इन्फ्लेटेड प्रभावी, तो जीन कैपिटल आई, कंस्ट्रिक्टेड अप्रभावी, तो इसका जीन स्मॉल आई। सीड का कलर, सीड का रंग पकने के बाद पीला प्रभावी और हरा अप्रभावी, पीला का जेनोटाइप प्रभावी है, येलो कैपिटल वाई, तो इसका स्मॉल वाई का प्रभावी। सीड का शेप राउंड होता है, प्रभावी और अप्रभावी है रिंकल, राउंड का जेनोटाइप प्रभावी है, तो कैपिटल आर, और रिंकल है अप्रभावी, तो इसका जेनोटाइप हो जाएगा स्मॉल आर। अब हम लोग देख लें मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना। तो मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, इसमें अगर प्रयोग करते हैं तो उसका परिणाम जल्दी मिल जाता है। मटर के पौधे में 7 जोड़े विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधे का प्रजनन चक्र या रिप्रोडक्टिव साइकिल छोटा होता है। मटर का फूल पूर्ण तथा उभयलिंगी या बाइसेक्चुअल होता है, जिसके कारण इसमें हम लोग स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। और इसमें फूल का आकार बड़ा होता है, जिससे प्रयोग करने में सुविधा होती है, और उत्पन्न हाइब्रिड संतान में भी प्रजनन की क्षमता बहुत अधिक होती है। मेंडल की सफलता का कारण क्या है? मेंडल अपने प्रयोग में सफल क्यों हुए? तो उन्होंने अपने प्रयोग को कई बार दोहराया। जीन किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, इसका कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। उन्होंने कई विरोधी लक्षण को लेकर के क्रॉस किया, मोनोहाइब्रिड, अहाइब्रिड क्रॉस, और अपने प्रयोग की गणितीय व्याख्या की, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल डाटा भी दी। अब मटर के पौधे में क्रॉस कराने के कुछ पद देख लेते हैं, स्टेप्स इन मेकिंग क्रॉस इन पी प्लांट। तो पहला पद है, स्टेप है शुद्धजनक का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीडिंग लाइन। शुद्धजनक का चुनाव कैसे करेंगे, उसका आधार क्या है,
तो स्वनिषेचन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन के द्वारा शुद्ध जनक का चुनाव करेंगे और जनक का प्रजनन चक्र रिप्रोडक्टिव साइकिल छोटा होना चाहिए और जनक में विपरीत जोड़े वाले लक्षण होने चाहिए। तो स्वनिषेचन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसे कराएंगे, उसका स्टेप है, चूँकि मटर का फूल द्विलिंगी होता है, नर उमंग जायंग एक ही फूल में होता है, तो हमको नर फूल बनाना है, मादा फूल बनाना है। तो नर फूल में क्या करना है, जायंग जो है उसके वर्तिकाग्र को हम लोग को क्या करते हैं, ढक देते हैं उस बैग के द्वारा। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैगिंग, ताकि उसमें परागण ना हो सके। और मादा फूल बनाना है तो मादा फूल में सिर्फ जायंग रहेगा, पुबंग को हटा देना है, काट देना है, पुमंग को हटाना है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं इमस्कुलेशन। उसके बाद चुनाव और अंकुरण, कलेक्शन या जर्मिनेशन। हम लोग असमान जोड़ा का जीन देख करके बता सकते हैं कि इससे कितना गैमेट बन सकता है। तो गैमेट बनाने का फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n, n बराबर होता है असमान जोड़ा जीन की संख्या, या कितना हेट्रोजाइगस जीन है या कितना एलील जोड़ा। तो जैसे यहाँ पर हम लोग दो जोड़ा असमान जीन देख रहे हैं, तो यहाँ पर कितना गैमेट बनेगा, असमान जीन कौन है, पहला जोड़ा है कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरा जोड़ा है कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहाँ पर दो जोड़ा असमान जीन, तो यहाँ पर कितना गैमेट बन सकता है। तो फॉर्मूला में बैठा देंगे 2 to the power n, हम लोग पहले गिन लिए कितना जोड़ा असमान जीन है, एक और दो, तो दो जोड़ा असमान जीन, n बराबर दो है, तो 2 to the power 2 यानी 2 into 2 4 गैमेट। अब इसमें कितना गैमेट बनेगा इस तरह के हाइब्रिड में, तो हम लोग यहाँ पर भी गिन लेंगे कितना जोड़ा असमान जीन है, तो पहला जोड़ा कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरा जोड़ा कैपिटल बी स्मॉल बी, तीसरा जोड़ा कैपिटल सी स्मॉल सी, तो यहाँ पे 3 जोड़ा असमान जीन है, तो कितना गैमेट बनेगा। फिर इसको फॉर्मूला में बैठा दिया 2 to the power n, n मतलब 3 जोड़ा असमान जीन, 2 to the power 3, 2 into 2 into 2 मतलब यहाँ पे 8 गैमेट बनेगा। तो अब यहाँ से कोई डाउट नहीं होगा, कितना भी हाइब्रिड में कितना भी जोड़ा असमान जीन रहे, अगर 4 जोड़ा रहेगा तो 16, 5 जोड़ा रहेगा तो 32, 2 to the power n फॉर्मूला में बिठा देने से निकल जाएगा। अब गैमेट बनाने का नियम क्या है, अगर हाइब्रिड है और उसमें एक जोड़ा असमान जीन है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, एक जोड़ा दो जोड़ा असमान जीन है इसमें, तो हम लोग दो जोड़ा असमान जीन मतलब इसमें समझ में आ जाएगा कि 4 गैमेट बनेगा। कैसे बनेगा, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख दिए, एक जोड़ा असमान जीन को इधर लिख दिए, अब उसका गुना करेंगे दूसरा जोड़ा असमान जीन से, दोनों को, कैपिटल वाई को कैपिटल आर स्मॉल आर से, स्मॉल वाई को स्मॉल आर स्मॉल आर से। तो क्या हुआ, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई, अब स्मॉल वाई से दोनों आर को गुना कर रहे हैं, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, कितना गैमेट बना, 4 गैमेट। अगर हाइब्रिड का जेनोटाइप कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर डब्ल्यू डब्ल्यू है, तो इसमें कितना गैमेट बनेगा, तो पहले तो हम लोग देख रहे हैं 3 जोड़ा असमान जीन है, 3 जोड़ा एलील है, तो 2 to the power 3 8 गैमेट बनेगा। तो पहले वाला जोड़ा जो असमान जीन है उसको लिख लिए, उसको दूसरा जोड़ा असमान जीन से दोनों को गुना करना है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, तो हमको 4 तरह का गैमेट मिला, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब थर्ड वाला जो असमान जोड़ा का जीन है, अब जो चारों नया गैमेट बना उसको उसी तरह से जैसे फर्स्ट स्टेप में किए थे, सेकेंड स्टेप में हर गैमेट को एक एक जोड़ा असमान जीन डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से गुना करना है, इसको भी डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इसको भी डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से, तो रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू, तो टोटल 8 गैमेट बने। थैंक यू।